प्रदेश में जब धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है तो माना यह जा रहा है कि अब धीरे धीरे बाकी राज्यों में भी अनलॉक की स्थिति होगी जब केसेस कम होने लग जाएंगे। अब जब देश भर में आंकड़े कम हो रहे हैं तो राहत की बात है। कई दुकानदार ऐसे हैं, कई व्यापारी ऐसे हैं जो कि परेशान इस बात से थे कि लॉकडाउन उन्हें प्रभावित कर रहा है, उनके घर के बजट को बिगाड़ रहा है। ऐसे में कोरोना केसेस कम हुए हैं, मृत्यु दर भी धीरे धीरे घटी है, वैक्सीनेशन भी तेजी से रफ्तार पकड़ी है और उसी का नतीजा है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में अनलॉक धीरे धीरे कुछ जगहों को किया जा रहा है। लेकिन हाँ, जहां पर केसेस बढ़ रहे हैं वहां अभी भी पाबंदियां हैं, लेकिन अनलॉक में भी आपको सावधान रहना, ये समझना आपके लिए बेहद जरूरी है क्योंकि अभी भी कोरोना से खतरा टला नहीं। आंकड़ों में कमी आई है, सेकेंड वेव कमजोर जरूर पड़ी है, लेकिन एक्सपर्ट्स की ओर से यह भी चेतावनी दी गई है कि जल्दी भारत में तीसरी वेव भी दस्तक देगी और ऐसे में थोड़ी सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। और तीसरी वेव में कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा बच्चों को नुकसान है, ऐसे में खास ख्याल आपको अपने बच्चों का रखना है। अब बच्चों में दो नई बीमारियां भी देखने के लिए मिली है, MIS-C का साया भी बच्चों पर मंडराने लगा है और कहा यह जा रहा है कि जिनके घर में कोई कोविड पीड़ित है या फिर जो बच्चे खुद कोविड पीड़ित रह चुके हैं उनमें सबसे ज्यादा ये समस्या दिखाई दे रही है। इसलिए सबसे जरूरी है कि आपको अपने बच्चों का ख्याल रखना है, सावधानी रखनी है, लेकिन साथ ही आपको ये ख्याल भी रखना है कि अब अनलॉक जब धीरे धीरे हो रहा है तो इस अनलॉक में कहीं ऐसा ना हो कि हम लापरवाही बरतें और फिर से केसेस बढ़ जाएं। आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कहां कहां लॉकडाउन है और कहां कितनी पाबंदी अभी भी है, कहां राहत दी गई है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है जबकि बाकी राज्य भी इस पर विचार कर रहे हैं। दिल्ली में भी कोरोना कर्फ्यू में ढील दी गई है, कंस्ट्रक्शन कंपनी फैक्ट्रियां इन्हें छूट इसलिए दी गई है ताकि जो दिहाड़ी मजदूर हैं उनका काम काज चल सके, उनके घर का बजट ना बिगड़े, रोज का कमाना रोज का खाना, ऐसे मजदूर ज्यादा प्रभावित होते हैं, इसी का ख्याल दिल्ली सरकार ने रखा है और कुछ कुछ ऐसा ही उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में दिखाई दिया। बिल्कुल, और हरियाणा की बात करें तो कुछ छूट के साथ यहां भी अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर में आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। साथ ही आपको बता दें कि कई ऐसी जगहें हैं जहां पर फिलहाल लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया गया है, लेकिन कुछ चीजों में आज से नरमी बरती गई है, कुछ चीजों को आज से अनलॉक किया गया है। यूपी आज से अनलॉक होने वाला है, 14 जिलों में कोरोना कर्फ्यू हालांकि जारी रहेगा, 14 जिलों को छोड़कर बाकी जिलों में आज से छूट मिलेगी। जो ऐसे जिले हैं जहां पर 600 से ज्यादा अभी भी एक्टिव केस हैं वहां पर छूट देना अभी खतरे से खाली नहीं है, जिसका ख्याल रखा गया है। लेकिन जहां लोगों ने सावधानी बरती, जहां केसेस कम हुए वहां के लोगों को राहत देने की तैयारी उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। अब मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद ये वो जिले हैं जहां केसेस बढ़ रहे हैं। मुजफ्फरनगर, बरेली, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर केसेस बढ़े, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, जौनपुर, झांसी यहां छूट नहीं है क्योंकि केसेस तेजी से बढ़े हैं। बिल्कुल, हालांकि मुंबई कर को बहुत ज्यादा राहत नहीं मिलने वाली है क्योंकि वहां पर 14 जून तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, लेकिन आज से कुछ ढिलाई जरूर मिलने वाली है। सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक जरूरी दुकानें वहां पर खुली रहेंगी, साथ ही बाकी दुकानों को सोमवार को खोलने की इजाजत सरकार की ओर से दी जाएगी। मंगलवार, गुरुवार सड़क के बाएं दुकानें खुली रहेंगी। इसके अलावा बुधवार, शुक्रवार सड़क के दाईं तरफ दुकानें खुलेंगी, मतलब एक साइड की दुकानें ऑल्टरनेट डेज पर खुलेंगे, दूसरी साइड की ऑल्टरनेट डेज पर, जिससे कि संक्रमण एक दूसरे में फैले नहीं। जरूरी सेवाओं के अलावा अन्य दुकानें वीकेंड पर बंद रहेंगी। हाँ, ई कॉमर्स सेवा को इजाजत रहेगी, ई कॉमर्स सेवा अभी भी चलती रहेगी। महाराष्ट्र में जिस तरीके से केसेस बढ़े उसको लेकर कम ही सही लेकिन राहत मिली है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में अनलॉक कैसे हुआ है जानिए। भोपाल में वीकेंड लॉकडाउन अभी भी जारी रहेगा, रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू भी होगा। बिल्कुल, साथ ही स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर्स भी बंद रहेंगे। और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं, हमारी सहयोगी शिवानी इस वक्त मुंबई से जुड़ चुकी हैं। शिवानी, चूंकि आज से तमाम राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, लेकिन उद्धव ठाकरे ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि एक्सटेंड कर दिया गया है वहां पर लॉकडाउन 14 जून तक के लिए, लेकिन वो कौन कौन सी चीजें हैं जहां आज छूट मिलने वाली है मुंबई कर को?
जी बिल्कुल, अगर इसमें बात की जाए छूट की, तो सबसे पहले ऑड इवन टाइप का एक फॉर्मूला यहाँ पर लागू किया गया है दुकान वालों के लिए, जहाँ पर एक तरफ की दुकानें खुली होंगी लेकिन उसमें भी सिर्फ और सिर्फ इसेंशियल सर्विसेज की ही दुकानें खुली होंगी, जैसे कि मेडिकल स्टोर्स हो गए या मेडिकल इक्विपमेंट से जुड़ी हुई दुकानें। राहत उन लोगों को है जो कि ग्रोसरी का सामान बेचते थे लेकिन लिमिटेड समय के लिए खाली सिर्फ खोल पाते थे, जो बुक्स रिलेटेड स्टेशनरी रिलेटेड दुकानें होती थी वो भी खुली रह पाएंगी। तस्वीरों के जरिए एक बार मैं आपको दिखा दूं कि माही मारडूंगा के इलाके में खड़ी हूं मैं, जहां आप देख पाएंगे कि लगातार जो दुकानें हैं पूरी तरह से वो बंद है। हालांकि जो बैंक्स हैं यहां तक कि वो भी आधे शटर को खोलते हुए काम कर रही हैं, यानी कि अभी भी पूरी तरह से जो दुकानें खोलने का प्रावधान था वो क्लियर नहीं हो पाया है। हालांकि आधी दुकानें खुली होंगी आधी दुकानें बंद होंगी, उसका असर ये भी है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें थी जो अब तक बिल्कुल पूरी की पूरी तरह से बंद थी वो आपको अब खुली नजर आएंगी। यानी कि आज से जो लिमिटेड दिन बताए गए हैं, जैसे मंगलवार बुधवार को कुछ लिमिटेड सेक्शंस खुले होंगे, तो इसमें अब इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें और जो छोटे शॉपिंग सेंटर्स हैं वो भी अब से खुले रहेंगे। हालांकि जो खाद्य पदार्थ से जुड़ी हुई चीजें थी, जैसे कि जो कैफेज होते हैं वहां पर अभी भी अंदर बैठकर खाना पीना उस पर सख्त मनाई है। हालांकि इस पूरे प्रावधान को लेकर अभी भी जो ट्रेड यूनियन है उसने अपनी नाराजगी जाहिर की है, क्योंकि उनका कहना है कि 4 अप्रैल से लेकर 31 मई के दरमियान 59,500 करोड़ रुपए का उन्हें नुकसान उठाना पड़ा है, जिसमें 55,000 से ज्यादा दुकानें बंद हैं और ई कॉमर्स को बंद ना करने की वजह से ई कॉमर्स को ज्यादा फायदा हो रहा है। बिल्कुल शिवानी, कुल मिलाकर जब आज से महाराष्ट्र में भी कुछ कुछ जगहों पर छूट मिलनी शुरू होगी, तो सबसे ज्यादा राहत छोटे व्यापारियों के लिए होने वाली है, क्योंकि उन्हें लॉकडाउन के दौरान भारी नुकसान उठाना पड़ा है। शिवानी आगे भी आपके पास आएंगे, फिलहाल आप बने रहिएगा। महाराष्ट्र में केसेस ज्यादा हैं इसलिए राहत कम है, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश भी आज से अनलॉक हो रहा है। भोपाल से कुलभूषण हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे क्या खुला है क्या बंद रहेगा कैसे राहत दी गई है। पहले हेडलाइंस,